हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जो हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन होते हैं उनकी वेरियस एंगल पे, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री पे क्या क्या वैल्यू होती है, ठीक है, वो सीखेंगे। इस टेबल को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? प्रैक्टिस। अब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। आइए टेबल देखते हैं। हाँ जी, जैसे साइन थीटा है, हाँ जी, थीटा की जगह पे जीरो रिप्लेस कर दो। तो अगर मैं आपसे पूछूँ साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, हाँ जी, साइन 0 क्या होता है? साइन 0 की वैल्यू होती है 0, ठीक है। आप साइन का टेबल याद कर लो। आइए देखते हैं, साइन 0 की वैल्यू होती है 0 डिग्री, थीटा की जगह पे 0 रिप्लेस करना है, ठीक है दोस्तों। साइन 0 की वैल्यू होती है 0, ठीक है। अब थीटा की जगह पे 30, साइन 30, साइन 30 की वैल्यू होती है मेरे पास 1/2, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आ जाता है थीटा की जगह पे 45, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। उसके बाद साइन 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। अब मुझे कोस की वैल्यू निकालनी है, कोस 0 की वैल्यू। इस टेबल को उल्टा करके लिख दो। उल्टा करके कैसे? इसको आगे लिख दो ऐसे, इस तरह से, ठीक है दोस्तों। अब जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कोस 0 डिग्री की वैल्यू, कोस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। थीटा की जगह पे 0 रखना है, कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। कोस 30 की वैल्यू √3/2 होती है। कोस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। साइन 45 और कोस 45 दोनों की वैल्यू सेम होती है। कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है और कोस 90 का होता है 0 होता है। उसके बाद आ जाता है टेन। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा टेन थीटा कोट थीटा सिकेंट को सिकेंट को साइन कोस की फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, तो उसमें मैंने आपको बताया था जो टेन थीटा होता है वो किसके बराबर होता है? साइन थीटा बटे में कोस थीटा, ठीक है दोस्तों। हाँ जी, अब थीटा की जगह पे मान लो 0 डिग्री आ गया। क्या आ गया? टेन 0 डिग्री। तो यहाँ भी थीटा की जगह पे क्या आएगा? साइन 0 डिग्री बटे में कोस 0 डिग्री, ठीक है दोस्तों। हाँ जी, अब मुझे टेन 0 की वैल्यू निकालनी है, बस यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू रख दो। साइन 0 की वैल्यू क्या है? 0। और कोस 0 की वैल्यू क्या है? 1। और 0/1 क्या होता है? 0। यानी कि टेन 0 की वैल्यू, ऐसे ही टेन 30 की वैल्यू। अब यहाँ 0 डिग्री की जगह पर क्या आ गया? 30। तो यहाँ भी 30 आ जाएगा और यहाँ भी क्या आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। साइन 30 की वैल्यू रख दो। साइन 30 की वैल्यू क्या है? 1/2। यहाँ पर रख देता हूँ मैं 1/2, बटे में क्या करना? कोस 30। और कोस 30 की वैल्यू क्या है? √3/2। ये किसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं? 10 30 की, ठीक है दोस्तों। ये घूम के ऊपर चल जाएगा, ऐसे ऊपर रोटेट हो जाएगा 2/√3। इसके साथ ये कट गया तो क्या आ गया? 1/√3। यानी कि 10 30 क्या आ गया मेरा? 1/√3, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? 10 45। सेम टेंजेंट 45, क्या करना है? साइन 45 बटे में कोस 45, ठीक है दोस्तों। और साइन 45 की वैल्यू क्या है? 1/√2, बटे में 1/√2 करूँगा तो घूम के ऊपर आ जाएगा, तो √2/1। इसके साथ ये कट गया, इसके साथ ये कट गया, तो 1 आ गया। 10 45 आ गया 1, ठीक है। ऐसे ही आप 10 60 निकालोगे, साइन 60/cos 60, तो ये क्या आएगा? √3 आएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे? 10 90 निकाल लेंगे। और 10 90 सेम प्रोसीजर, 10 90 क्या होता है? साइन 90 बाय में कोस 90, हाँ जी। 10 90 क्या है? 1 है और बटे में क्या? 0, हाँ जी। अब किसी भी स्टेटमेंट के नीचे 0 हो, ठीक है, ये नीचे 0 है ना, ठीक, ऊपर 1 है, नीचे 0, किसी भी स्टेटमेंट मान लो एक्स बटे 0, नीचे 0 हो ना, तो वो क्या? इन्फिनिटी हो जाता है। तो ये क्या आएगा? इन्फिनिटी। यस को हम लिखते हैं नोट डिफाइन, यानी कि डिफाइन नहीं किया जा सकता इसको, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से 10 की टेबल आ गई। अब कोट की टेबल निकालनी है। दो तरीके हैं, या तो इसको उल्टा करके लिख दो, यहाँ पे ये √3, 1, 1/√3 और 0, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है? आप कोट थीटा को लिखो कोस थीटा बटे साइन थीटा, यहाँ पे वैल्यू रखो कोस कोट 0 की, कोस 0 बटे साइन 0, वहाँ से भी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आ जाती है सिकेंट थीटा, हाँ जी। साइन कोस कन्वर्जेंस मैंने आपको बताया था, तो सिकेंट की क्या होती है? 1/cos थीटा लिखते हैं सिकेंट को, ठीक है दोस्तों। जैसे मुझे सिकेंट 0 की वैल्यू निकालनी है, सिकेंट 0, तो 1/ क्या हो जाएगा? कोस 0, और 1/cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1, तो 1/1, 1, यानी कि सिकेंट 0 क्या होता है?
वन होता है, ठीक है। उसके बाद सेम, उसके बाद क्या देगा, सिकेंट थर्टी, सिकेंट थर्टी क्या होता है, वन बाय कोस थर्टी, वन बाय, हाँ जी कोस थर्टी क्या है मेरा, कोस थर्टी है रूट थ्री बाय टू, ये घूम के ऊपर चल जाएगा तो क्या आ जाएगा, टू बाय रूट थ्री, ठीक है। तो सिकेंट थर्टी क्या आ गया मेरा, टू बाय रूट थ्री, टू बाय रूट थ्री, ठीक है दोस्तों। ऐसे सिकेंट 45 निकाल लो, सिकेंट 45 क्या आएगा, वन बाय कोस 45, और कोस 45 क्या है, वन बाय रूट टू, ठीक है दोस्तों। ये घूम के ऊपर चला गया तो क्या आ गया, रूट टू। तो ये क्या आ गया, रूट टू, ठीक है दोस्तों। सिकेंट 60, सिकेंट 60 क्या हो जाएगा, वन बाय को 60, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। को 60 क्या होता है यार, को 60 होता है वन बाय टू, तो ये घूम के ऊपर चल जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद रहेगा सिकेंट 90, यहाँ वन बाय कोस 90 हो जाएगा, और कोस 90 क्या है मेरा, जीरो। और मैंने आपको बताया किसी के नीचे जीरो होता है वो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, या इसको लिखते हैं नोट डिफाइन, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या रह गया, कोसेकेंट रह गया, इसको उल्टा कर दो, ठीक है दोस्तों। इन्फिनिटी इसको इन्फिनिटी टू रूट टू, टू बाय रूट थ्री, और ये वन। तो इस तरह आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। आपको इसको रटना नहीं है, आपको 3-4 बार देखना है, और आपको किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की साइन और कोस में कैसे उनको एक्सप्रेस किया जाता है, बस आपको साइन एक टेबल याद रखनी है, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली ये टेबल याद हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझा होगा, थैंक यू वेरी मच।